वो म्यूट नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, हम समझ सकते, नमस्कार, हम कर आज मेरा लेंगे। बर्थडे है और आज मैं अपने एक खास पैनल के साथ आप सबसे रूबरू हूँ। हमारी आज खास बातचीत में जो लोग शामिल हैं, मैं उन सब मेहमानों का आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ तुलसी जोशी जी हैं। तुलसी जोशी जी SDMC में काउंसलर हैं। सामाजिक कार्यों में विशेष उनकी सक्रियता दिखाई देती है और राजनीतिक, सामाजिक, सार्वजनिक जीवन में होने के बाद भी वो तमाम विषयों पर अपनी राय रखती रहती हैं और तमाम विषयों पर सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों के अलावा भी उनकी सहभागिता रहती है। स्टैंडिंग कमेटी की वो डिप्टी चेयरपर्सन भी हैं। हमारी दूसरी मेहमान हैं ठाकुर शिखा सिंह जी। वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बहुत सारे विषयों पर उनकी भी सक्रियता लगातार हम देखते हैं, मुखर होके बोलती हैं, बहुत सारे विषयों पर अपनी बेबाकी से राय रखती हैं। हमारी तीसरी मेहमान हैं प्राची अधिकारी जी। टॉलीवुड में उनसे उनका वास्ता है, ताल्लुकात उनके फिल्म दुनिया से हैं, फिल्म अभिनेत्री हैं, लेकिन वो भी तमाम सामाजिक मुद्दों पर चिंतन मंथन करती हैं और बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। हर्षिता शर्मा हमारी चौथी मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं, जो बेहद उम्दा पेंटर हैं और छोटे छोटे पत्थरों पर कलाकृतियां उकेरती हैं, पेंटिंग करती हैं और तमाम सामाजिक मुद्दों को वो अपनी पेंटिंग के जरिए लोगों तक संदेश देने की कोशिश करती हैं। और हमारी पांचवी मेहमान जो है वो हैदराबाद से जुड़ी हैं, अलंकृति मेहरा, सिंगर हैं, 10th क्लास में पढ़ती हैं। अपने यूट्यूब चैनल के जरिए वो अपने तमाम सारे वीडियोस और अपनी गायकी के हुनर को दिखाती हैं, बिखेरती हैं। और सबसे अच्छी बात बात यह है कि वो बहुत कम उम्र की हैं, लेकिन वो भी तमाम सामाजिक मुद्दों पर सोचती हैं, बात करती हैं। तुलसी जी, आपकी एक व्यस्तता की वजह से दूसरी मीटिंग में आपको जाना है, तो मैं सबसे पहले शुरुआत कार्यक्रम की आपसे ही करूंगा। सार्वजनिक जीवन में आप हैं, आपके अपने अनुभव होंगे। आज भी क्या समाज में जो एक भेद देखा जाता है लड़का और एक लड़की के बीच में, तो आपको लगता है कि जो कोशिश सरकार की तरफ से होती है, सामाजिक संगठनों की तरफ से होती है, कि शायद अब हम जिस दौर में हैं भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समाज में एक अंतर दिखता है आपको नजरिए के तौर पर? नमस्कार, मैं तुलसी जोशी एंड थैंक यू सो मच अमेज फाउंडेशन फॉर आस्किंग मी टू जॉइन दिस जूम मीटिंग। एज यू सेड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डॉटर्स एंड बॉयज, वी टॉक अबाउट कि लड़का और लड़की में जो भेदभाव की हम बात कर रहे हैं, इट इज देयर। गांव देहात में अभी भी ये चीज काफी है, शहरों में भी कहीं काफी जगहों पर ये चीज हमें देखने को मिलती है। बिकॉज समटाइम्स हम बात करते हैं कि अगर जब गांव देहात की बात आती है कि वहां पर ये सब चीजों को अभी भी फॉलो किया जाता है कि लड़की को कम वेटेज दी जाती है, बट ऐसा नहीं है। शहरों में हमने बड़े ऐसे केसेस देखे हैं और बड़ी अच्छी रिच फैमिलीज में ये केसेस देखे हैं वेयर दे थिंक अबाउट कि बॉयज आर बेटर देन डॉटर्स। सो इट्स नॉट लाइक कि हम जब बात करते हैं कि जहाँ पिछड़ा वर्ग है उसी जगह पर ही इस तरह की चीजें पाई जाती हैं, ये शहरों में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। बट नो डाउट गवर्नमेंट ने उसमें बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया है, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट जब से आई है, और उन्होंने, आपने देखा होगा, मोदी जी हर ऐसे विषय को हमेशा टच करते हैं जो समाज से जुड़ा होता है। उसी में एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी एक विषय था, जो जब से मोदी जी आए हैं उस विषय के ऊपर बहुत काम हुआ है, और इस पे हमेशा मोदी गवर्नमेंट ने वर्क किया। और कैसे हम बेटियों को पढ़ाएं और उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि एजुकेशन पे हमेशा मोदी जी ने जोर दिया कि चाहे वो कोई भी तबका है, तो एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो उसमें स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट डॉटर, तो डॉटर्स को पढ़ाना लिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद जब वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी होती है तो डेफिनेटली एक एक मुकाम स्थापित करती हैं। आप देखते हैं कि अभी पीछे जब हमारी एयरफोर्स की बात करें, उसमें पायलट्स के तौर पर महिलाएं हमारी आई हैं, और बड़ी खुशी की बात थी जब हमारी गणतंत्र दिवस की परेड थी, उसमें मोदी जी ने जब महिला लीडर उनने लीडरशिप की, सो वो हमें खुद अब वी फील सो प्राउड की बीइंग एज अ लेडी, बीइंग एज अ डॉटर, वी फील प्राउड की हमको इतनी तवज्जो दी गई है। सो आई पर्सनली फील कि इस चीज में अभी भी इट इज रिक्वायर्ड कि इस पे और ज्यादा वर्किंग की जरूरत है, और सभी संस्थाएं, जो काफी सारी एनजीओ भी हैं जो इसके ऊपर वर्कआउट करती हैं, जिसमें वो बच्चों लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा काम करती हैं, ऐसी बड़ी सारी एनजीओ हैं। इवन आई एम ऑल्सो एसोसिएट विद भूटान, हमारी एम्बेसी है जो भूटान और रशिया एम्बेसी है, उनकी एक हमारी एसोसिएशन बनी हुई है उनके कोलैबोरेशन के साथ, एंड उसमें आई एम अ चेयरपर्सन ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर,
जिसमें हम महिलाओं के ऊपर या डॉटर्स के ऊपर हम पूरा एम्फेसाइज करते हैं और उसके बड़े सारे प्रोग्राम्स करते हैं. तो मुझे लगता है अभी भी कहीं ना कहीं कमी है, इस पे और ज्यादा वर्किंग की जरूरत. आपने कहा कि कमी है और ज्यादा काम करने की जरूरत है. यकीनन जिस योजना और जिस काम का आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी ने जब इसको लॉन्च किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े थे, एक सकारात्मक जुड़ाव महसूस किया गया था और लोगों की कोशिश थी कि संदेश को दूर दूर तक फैलाया जाए. आपको लगता है कि उस दिशा में अब किस तरह आगे बढ़ा जाए, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजें कहीं नारे और स्लोगन बनकर ना रह जाए, जमीन पर उनकी सकारात्मकता दिखाई दे, उनका असर दिखाई दे. देखिए, कोई भी मुहिम जब छिड़ती है इस तरह की, तो उसमें डेफिनेटली जो कम्युनिटी है उसमें मेजर रोल उस कम्युनिटी का होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम इन अ फैमिली, आई हैव अ डॉटर, तो सबसे पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस चीज को आगे बढ़ाऊं. नॉट लाइक एज यू सेड कि स्लोगन में सरकार, कोई भी सरकार होती है तो सरकार एक स्कीम लेकर आती है, सरकार उसके ऊपर जोर देती है कि आप इस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करें, बट उसका एग्जीक्यूशन तो वो वन टू वन है. घर से ही हम जब स्टार्ट करेंगे इस चीज का, मान लीजिए मैं अगर अपनी बेटी को तवज्जो देती हूँ, उसको आगे पढ़ाती हूँ और बेटे और बेटी के अंदर डिफरेंस नहीं करती हूँ. बिकॉज कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, डिबेट्स में बोलते हैं, स्पीच देते हैं कि हमें बेटियों को सम्मान देना चाहिए, लेकिन अगर होम फ्रंट पर ही आप अगर दोनों बच्चों में डिफरेंस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कथनी करनी में फर्क आ जाता है. सो द पॉइंट इज कि जब आप इस चीज की शुरुआत करते हैं, गवर्नमेंट उसमें काम करती है, लेकिन आप सोचे कि 100% हम सरकार पर ही छोड़ दें तो वो सोचना गलत है. इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हम सभी को अपने घरों से करनी होती है. बहुत अच्छी बात कही. कहीं ना कहीं जब तक लोगों की सहभागिता नहीं होगी, लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं ज्यादा होगा, तब तक कोई भी सरकारी योजना हो वो जमीन पर उतनी उस आकार में नहीं उतर पाती है. और यकीनन हम सबकी जिम्मेदारी है, शुरुआत हम अपने से करें, अपने घर से करें, अपने मोहल्ले गली से करें, बस्ती से करें, तो जाहिर है वो एक बड़ा अभियान बन जाता है. एक सवाल ये भी है आपसे कि मानसिकता की जहां तक बात आती है, कई बार होता है कि हम लोग अपने दैनिक कामकाज को देखें, चाहे अपने जिंदगी में अपने व्यवहार को देखें, लेकिन मानसिकता के तौर पर बहुत सारी रूढ़िवादी जो विचारधाराएं हैं उनके जो जंजाल को उससे बाहर नहीं निकल पाते. जैसा आपने शुरू में जिक्र किया कि गांव देहात में ये चीज अभी भी है, कैसे वहां तक मैसेज पहुंचेगा, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी आपकी भी होती है बतौर एक नेता के तौर पर, सार्वजनिक जीवन में आप हैं और सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है, तो उस तबके को हम कैसे जोड़ें, उनको कैसे समझाएं कि अब सोच बदलने का समय है, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है और बेटियां जो हैं अब बेटों से कहीं ज्यादा अच्छा कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं नजरिए को अब बदलने की जरूरत है और उस तरह से सोचने की भी जरूरत है. देखिए, मैंने जैसा आपसे शुरू में कहा था, गांव देहात में ही नहीं, शहरों में भी ये प्रॉब्लम है. शहर में भी हमें दिखने में लगता है कि शहरीकृत हो गए हैं, बट अभी भी इवन हाई सोसाइटी पीपल जो है तो स्टिल दे टॉक अबाउट कि डॉटर है तो लेकिन बेटा भी होना चाहिए. अगर दो डॉटर है तो उसके बाद दे अगेन दे थिंक अबाउट कि नहीं, तीन बच्चे हैं तो आप समझ लीजिए अगर तीसरा पुत्र होता है, पुत्री होती है, सो दैट इज द रीजन कि दे वर लुकिंग फॉर अ सन. उनको लगता है कि उनकी जो नीड्स है वो जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बेटा पूरी करता है, जबकि ऐसा नहीं है. जब लड़की शादी होकर जाती है तो उसके बावजूद भी जितना ख्याल लड़की रखती है उतना लड़के नहीं रखते हैं. गांव देहात की जो हम बात कर रहे हैं कि वहां तक इस मैसेज को हम कैसे पहुंचाएं, तो वो दैट इज वेरी क्लियर कि जिस तरह जैसे अब हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो एनजीओज हैं जो उस शहर में या उस गांव के आसपास में रहते हैं या उस गांव में रहते हैं, तो वहां पे उन लोग, क्योंकि हमेशा जो इस तरह के लोग होते हैं, पॉलिटिकल हैं, चाहे फिल्मी दुनिया से हैं या क्रिकेट की दुनिया से हैं या अलग अलग प्रोफाइल में हैं, ये एक रोल मॉडल होते हैं लोगों के लिए कि जिनको देखकर हम समझते हैं और चीजों को करना पसंद करते हैं. तो इस तरह के लोग जो वहां पर लोकल लीडर्स होते हैं उनकी सहभागिता बहुत जरूरी, वो इन्वॉल्व होकर उन लोगों के साथ में जुड़े और छोटे छोटे कार्यक्रम करें और कार्यक्रम करके उन लोगों को हम इस चीज को समझे कि बेटियां का रोल कितना, बेटियां कितना अच्छे से परफॉर्म करती हैं, अलग अलग फील्ड में आई. अभी उन जो दो डॉटर्स हैं उन लोगों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया कबड्डी, तो हर फील्ड ऐसी कोई फील्ड नहीं छूटी है, देखो मेरा काम चल रहा है, नहीं निभाती हैं. इन एवरी फील्ड देयर इज अ बिग रोल ऑफ फीमेल्स. शायद ही कोई प्रोफाइल होगा जिसमें लड़कियों का रोल नहीं होता, कोई प्रोफाइल नहीं छोड़ा है. तो पहले जब हम सिर्फ होम फ्रंट पे हम घर में काम किया करते थे, घर संभालते थे और बाहर का पुरुष वर्ग देखता था, अब आप सोचिए वी आर मल्टीटास्किंग, वी आर लुकिंग आफ्टर होम ऑल्सो एंड एज वेल एज वी परफॉर्म
well managed and outside also. बहुत अच्छी बात आपने कही. और जिन लोगों की फैन फॉलोइंग होती है समाज में, अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, यकीनन उनको भी आगे आना चाहिए. और एक मुहिम, इसको एक समय से ना जोड़ा जाए, लगातार इस पर काम करने की जरूरत है, लगातार लोगों से अपील करने की जरूरत है. और जिस भाषा में, जिस तरह, जिस आसान तरीके से लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि सोच बदलने में वक्त लगता है, लेकिन कोशिश लगातार होती रहे तो यकीनन उसके बहुत ही खूबसूरत नतीजे भी देखने को मिलते हैं. आपको एक दूसरी मीटिंग में भी जाना है और हम समझ सकते हैं एक वक्त की मजबूरी है. तो बहुत बहुत शुक्रिया तुलसी जी आपका, हमारे साथ आप कार्यक्रम में जुड़ी और बहुत अच्छी आपने बात कही, सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई बात कही और एक बहुत अच्छा संदेश दिया आपने. थैंक यू सो मच. शिखा जी, आपकी तरफ मैं रुख करता हूँ. बतौर एक सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका क्या अनुभव है और जिस बदलाव की हम लोग बात कर रहे हैं कि अब समाज में बेटी को कहीं ना कहीं और ज्यादा सम्मान देना चाहिए और ज्यादा एक अच्छी सोच के साथ उसको स्वीकार करना चाहिए और उसको आगे भी बढ़ाना चाहिए किसी भी फ्रंट पर, तो वो जो एक, जैसा अभी तुलसी जी भी कह रही थी कि अभी भी बहुत सारी ऐसी मानसिकता है कुछ ना कुछ लोगों में कि बेटे को थोड़ा तरजीह ज्यादा दी जाती है, बेटी को नहीं दी जाती है, इस सोच को कैसे बदला जाए आपके हिसाब से, चूंकि आप भी बहुत तमाम कार्यक्रमों में जाती रहती हैं, तमाम सामाजिक मुद्दों से आप जुड़ी हैं, क्या कहना है आपका? राघवेंद्र, मैं आपको बस एक चीज ये कहना चाहूंगी कि ये भारत के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं और इस विषय का एक बहुत बड़ी मुहिम के तौर पर हम देख रहे हैं. जहां भारत में ये कहा जाता था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस देश में आश्चर्य की बात है, दुख की बात है कि नारी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाने पड़ रहे हैं. जहां तक मुझे लगता है कि विदेशी आक्रांता जो भारत में आए उसके कारण उस जमाने के लोग, कभी मुगल आए या कभी कोई और आए, उन्होंने जब महिलाओं के साथ अत्याचार करने शुरू किए, हमारी बेटियों के प्रति उनके व्यवहार ठीक नहीं थे, उस समय को लेकर हम आज भी जी रहे हैं. हम खुद को ये महसूस करते हैं कि आज भी हम मुगल काल में जी रहे हैं. मुगल काल में क्या था, जब आक्रमण हुआ तो वो लोग हमारी बेटियों को, बहुओं को, घर के बच्चियों को उठाकर ले जाते थे और उनके साथ गलत व्यवहार करते थे. तो उस जमाने को हम अब तक जीते आ रहे हैं. तो मैं समझती हूँ सबसे पहले तो हमें इस चीज पर विचार करने की जरूरत है कि अब हम इस चीज से बहुत अलग हट चुके हैं. हमें अपनी संस्कृति में वापस लौटने की जरूरत है और हमारी संस्कृति तो इतनी उन्नत और इतनी विकासशील संस्कृति है. हम इतने अच्छे संस्कृति के लोग हैं जहाँ महिला को, नारी को जहाँ देवी के समान समझा जाता है और जब देवी समझा जाता है तो वो पूजनीय है. उसको कभी भी गणित दृष्टि से नहीं देखा जाता. ये दुख का विषय है कि भारत में बेटा और बेटी में फर्क किया जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है. जहां तक मैं समझती हूँ, जहां जितने भी फंक्शंस में जाते हैं हम लोग या जितने भी लोगों से मिलते हैं या एक सामाजिक जो ऑरा चारों तरफ है वो ये है कि बेटे आपका तर्पण करेंगे, बेटे आपको अच्छा करेंगे, बेटे आपकी सेवा करेंगे, ये एक चीज दिमाग में हमारे घुसी हुई है. जबकि सही मायनों में ये है कि बेटियां ज्यादा केयर करती हैं, बेटियां ज्यादा पूछती हैं आपको. मेरे खुद की दो बेटी हैं और मैं यकीन जानिए कि इतना इमोशनली अटैच हूं उनके साथ कि मुझे लगता ही नहीं कभी कि मुझे किसी बेटे की आवश्यकता है. मेरी हर चीज के लिए वो हर समय तत्पर रहती हैं. जब सामाजिक दृष्टि से हम देखेंगे तो जैसा कि मुझसे पहले आपकी काउंसलर जी तुलसी जी ने कहा कि एक नई मुहिम की जरूरत है कि लड़कियां जो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रही हैं उनको एक फेस बनाकर लाया जाए. इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो बॉलीवुड है वो भी एक अच्छा काम कर सकता है. अच्छा काम इन सेंस की जिस तरह से मूवीज बनी, आपने प्रियंका चोपड़ा की एक मूवी आई थी जो उन्होंने हमारी बॉक्सर थी उनके उनका वो चित्रण किया था जिसमें, तो इस तरह की अगर हम मूवीज को हम लेकर आए तो एक समाज में नया संदेश जाएगा. दूसरे, जो लड़कियां बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा देश के प्रति काम करती हैं, समाज में नाम करती हैं, उनको लेकर सरकार के माध्यम से
एक ऐसी मुहिम चले कि उनको फ्रंट पर रख के उनका फेस दिखाया जाए, ताकि और बच्चियों में उनके प्रति जागरूकता आए और बच्चियां और ज्यादा अच्छा करें। और जब बच्चियां अच्छा करेंगी तो निश्चित रूप से माता और पिता के दिमाग से ये बात निकलेगी कि बेटे जरूरी नहीं है, बेटियां भी उतनी जरूरी है जितने बेटे। दूसरी चीज ये कि हम एक तरफ ये बोलते हैं कि बेटे चाहिए बेटे चाहिए। मेरा एक सीधा सा प्रश्न उन लोगों से ये है कि बेटे तो आपको चाहिए तो फिर आपको बहू भी चाहिए। अरे जब बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे? जिम्मेदारी का इस चीज का एहसास होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि दोनों जरूरी है, बेटा भी जरूरी है, लेकिन बेटियां भी उतनी ही जरूरी है जितने की बेटे। जाहिर है, बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि जब बेटे की चाहत लोगों को होती है तो फिर ये सोचना चाहिए कि बहू कहाँ से आएगी। अगर बहू आएगी परिवार में तो वो भी किसी की बेटी होगी, और यकीनन बेटी एक पूरी पीढ़ी को बदल देती है। उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा दीक्षा इस तरह की होती है तो एक बड़ा सामाजिक बदलाव बेटी के जरिए संभव होता है। और कहीं किसी परिवार की बहू दूसरे परिवार की बेटी होती है तो इस सामाजिक संरचना को भी दिमाग में हम सबको रखना चाहिए और बेटियों को सम्मान देना चाहिए। प्राची जी आपके पास आएंगे, आप फिल्म एक्ट्रेस हैं और फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखने के बाद आपको लगता है कि फिल्मों के जरिए चाहे वो टीवी सीरियल्स के जरिए इस बात पर जितना जोर देना चाहिए उतना शायद नहीं दिया जाता है या और काम करने की जरूरत है? क्योंकि फिल्मों से लोग मुतासर बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत उनकी एक मानसिकता बनती है, दिल दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं, उनकी एक सोच डेवलप होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कमर्शियल फिल्मों के अलावा इस तरह की फिल्मों पर भी काम होना चाहिए कि जब ज्यादा से ज्यादा सामाजिक संदेश हम दे सके फिल्मों के जरिए और बेटियों के मान सम्मान में एक अच्छा मैसेज दूर तक जाना चाहिए? प्राची जी। जी नमस्कार। देखिए मेरा मानना है कि स्कीम तो काफी आती हैं और चीजें काफी आती हैं लेकिन उनमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। वैसे ही फिल्मों का भी है। हम बातें तो संदेश तो हम कहते हैं कि नो टू ड्रग्स और ड्रग्स की ओर भी जाते हैं, दूसरी ओर हम लोग बात करते हैं कि फिल्म जो है आईना है समाज का, और हम वो फिल्म बनाना पसंद नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि जनता नहीं जुटेगी। हमें कुछ ऐसे चित्रण करने हैं नारी के कि नारी को हमने ऐसा दिखाना है कि उसके उसका फ्लैश उसका स्किन ज्यादा दिखाना है जो बिके। और कई डायरेक्टर्स ऐसा भी कहते हुए पाए गए हैं कि आप सनी लियोनी को साड़ी पहना दीजिए और उसको अगर देखने आ गए तो मैं कल से ऐसी पिक्चरें बनाना शुरू कर दूंगा। एक जो चैलेंज सोसाइटी में उभर रहा है ये माइंड सेट का है, क्योंकि देखिए माइंड देखिए फिल्मों को ही आप दोष नहीं दे सकते हैं कि फिल्में वो कैसे बनाएंगे जब गवर्नमेंट या तो उनको सपोर्ट करे, गवर्नमेंट ये कहे कि हम तुम्हें इसमें भी सब्सिडी दें और आप ये काम करो, तो शायद हो सकता है कि उन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की भी जो विकृत मानसिकता है कि उनको नारी का ऐसा ही चित्रण करना है कि उमराव जान ही बनाना है, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई नहीं बनाना है या अहल्याबाई नहीं बनाना है, उन्होंने इस तरह की सरोजनी नायडू का आज तक कभी कोई मूवी नहीं बनी है इस तरह की। हमें इन सब चीजों से बाहर निकल के ये सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमें जब तक हम धरातल पे उन स्कीमों में काम नहीं करते हैं, हर एरिया को जरूरत है। मैं फिल्मों की ना बात करूं तो और भी काफी चीजें हैं इस देश में। दुर्भाग्य देखिए हमें टॉयलेट बनाने पड़े, घर हमने बड़े बड़े बना लिए गांव में लेकिन टॉयलेट बनाने पड़े। वो कल भी लोटा लेके जा रही थी और उसके साथ बलात्कार हो रहा था, मतलब लड़कियां घर की बच्चियां इतने बड़े बड़े पुरुष हैं वहां पर, वो एक टॉयलेट का इंतजाम नहीं कर पाए। उसके लिए भी एक यशस्वी प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ी जिन्होंने आके वो काम करा। मतलब अगर प्रधानमंत्री मोदी ना होते तो तुम्हारे टॉयलेट भी संभव नहीं थे। तो ये एक जो मानसिकता है ना कि सारा काम एक इंडस्ट्री या एक आदमी या एक सरकार पे नहीं है, समाज जब तक तैयार नहीं होगा, समाज में हम सब यानी कि पॉलिटिकल लोग भी ऊपर से नहीं आते हैं, वो भी हम में से चुने हुए होते हैं, हम जैसे ही होते हैं और हम जैसी ही सोच में से कुछ खास सोच रखते हैं उनको जनता चुनती है। तो मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री में काम की जरूरत है और जिसमें बेटियों का उनका उत्साह बढ़ाया जाए, उन्हें प्रोत्साहित करा जाए, अलग अलग क्षेत्रों से लड़कियों को आमंत्रित किया जाए जैसे कि आज आपने करा है, और उनके उनसे जाना जाए ताकि उनको लगे कि हम इम्पोर्टेंट है समाज में। और यस बिल्कुल ऐसी पिक्चरें बननी चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसमें मदद करनी चाहिए, जैसे सब्सिडी देती है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट फिल्म बनाने के लिए। वो ये कहे कि 50% तुम्हें अगर ये सब्सिडी मिलती है तो 70% तब मिलेगी जब तुम महिलाओं के ऊपर
कुछ इस तरह की सब्जेक्ट बेस्ड मूवी बनाओगे। अब आप कह देंगे कि आप मूवी बनाइए, हम 50% देंगे, वो तो कुछ भी नग्न नाच दिखा देंगे, वो आपके बच्चों के लिए काम थोड़ी ना होगा। आपको प्रोत्साहित करना है। मैं मानती हूँ कि फिल्में आईना है, फिल्में समाज का चित्रण करती है, लेकिन हमें ये भी बच्चों को बताना होगा कि अगर कोई उलझुलूल पिक्चर आ रही है तो ये भी बताना होगा कि ये रियल लाइफ है, ये रियल और रियल में अंतर है जो ये नायक नायिका किरदार निभा रहे हैं। क्योंकि मैं एक्ट्रेस होने से पहले इस भारत की मूल निवासी हूँ, अगर मैं भारत की एक नागरिक हूँ और अगर मेरे भारत को किसी भी ऐसे मेरे कृत से नुकसान होता है तो वो मेरा कृत फिर दुर्भाग्यपूर्ण है, वो सही नहीं है। क्योंकि देश सबसे पहले, हम रहे ना रहे देश रहना चाहिए। तो ये अगर सोच हमारी है इस तरह की, तो हम उस मुहिम को लेके आगे बढ़ सकते हैं। एक नारी से तो देश नहीं बनेगा, सारी नारियां मिलके देश बनाएंगी। और हम पुरुषों को भी पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेरा अस्तित्व है मेरे पिता से भी आता है। तो मैं फेमिनिज्म नहीं खेलती हूँ, मुझे सिर्फ औरत तत्व नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर वो पुरुषार्थ है जो मेरे पिता का दिया हुआ है। जैसे आपकी भी बेटियां हैं, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत गौरवान्वित फील करती हूँ कि मेरे पिता ऐसे रहे हैं जिन्होंने लड़कियों की एजुकेशन को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। मेरी एक बहन ने PhD करा, मेरी एक बहन ने MA करा, हालांकि उन्होंने अपनी मर्जी से हाउसवाइफ बनना चूज करा, वो टीचिंग में थी। एक मेरी बहन लेक्चरर है, एक मेरी बहन बाहर फॉरेन में काम करती हैं, उन्होंने भी टेक्सटाइल डिजाइनिंग करा। तो और मैंने भी जब मेरे को लगा कि मुझे फिल्मों से मतलब लाइक एक दूसरी सोच होने के कारण थोड़ा सा अलग किया जा रहा है, तो मैंने अपना EMBA करा, अपनी जो एजुकेशन है वो पूरी करी। तो आज मैं इस स्तर पे हूँ कि मेरी एक अपनी सोच है, मैं मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, मुझे कोई झूठे ख्वाब नहीं दिखा सकता, मैं एक अच्छे परिवार से हूँ। तो मुझे वो एक बैकग्राउंड का जो एक गर्व होता है कि मेरे पिता ने जो करा है हमारे लिए, हमारी माँ गुजरने के बाद, तो वो गौरव मैं फील करती हूँ, वो चीज मैं फील करती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम जब बात करते नारी की, हम अपने घर के पुरुष को भी ना भूले। हम ये ना कहे कि एक नारी सब पे भारी है, क्योंकि वो माँ है, वो बेटी है, लेकिन हमारे घर के जो पुरुष है वो भी हमें किसी के ऊपर नहीं जाना है, हमें इक्वल रहना। हम ये नहीं कह रहे कि हमें तुम सर पे बैठा दो और फिर सर से गिरा दो थोड़ी देर में। हम ये कह रहे हैं कि हमें इक्वल रखो, हमें बेचारा मत समझो, हम बेचारे नहीं है, हम सक्षम है। हमें अपने माँ बाप से प्रेम है, इसलिए हमें उनकी जरूरत है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हमें प्लीज रोटी दो, हमें खाना दो, हमें रोटी और खाना खरीदने के लायक बनाओ, हमें सक्षम बनाओ, हमें ऐसा बनाओ कि हम समाज में डिपेंडेंसी वाला नहीं कि बेटा तू जा मैं देख रहा हूँ, बेटा ये कर। हमें अकेले ही जीना है ना, क्योंकि माँ बाप कब तक साथ रहते हैं। लेकिन जिस बाप ने तुम्हें इस लायक बनाया है उनको तुम देखो। ये मेरा मतलब जो मेरी सोच है, मेरी विचारधारा ये है कि जो माँ बाप तुम्हें इस लायक बनाते हैं, अगर वो तुम्हें एक आवाज मारे तो तुम्हें वहां पर उनके लिए होना चाहिए, या तो हो सके तो उनको अपने साथ रखिए, नहीं तो उनके बुलाने पर आप तत्पर रहें कि आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। ऐसी नारी होनी चाहिए, ऐसा ही बेटा होना चाहिए। और नारियों को ये भी चाहिए कि जब वो विवाह करें तो वो ये ना कहें कि तुमसे मुझे प्रेम है तो अपने माँ बाप को भूल जाओ। जी नहीं, अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसके माँ बाप भी तुम्हारे होने चाहिए, क्योंकि तुम एक नारी हो तो तुम्हारा तो और ज्यादा दायित्व है। मतलब कई बार फेमिनिज्म वाली लेडीज बोलती है कि नहीं मेरा ही क्यों दायित्व है, क्योंकि हम वो सुप्रीम जेंडर हैं जिससे आदमी आता है औरत भी आती है। हम में वो एक हम माँ है ना, हम माँ हैं। जब माँ कह दिया जाता है और अर्धनारीश्वर का दर्जा दे दिया जाता है पति पत्नी को भी, तो पुरुष अधूरा है स्त्री के बगैर, स्त्री अधूरी है पुरुष के बगैर, लेकिन नारी की जिम्मेदारियां मॉरली बढ़ जाती हैं, तभी वो शिवाजी जैसा पुत्र बनाती है। अगर हर वक्त वो चालबाजियां या गलत चीजें, संकीर्ण चीजें सोचती रहेगी, वो क्या पुरुष बनाएगी, क्या बेटी बनाएगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि औरत को सक्षम बनाइए, उसको थोड़ा थोड़ा उसको इंडिपेंडेंट बनाइए, उसे ये मत बनाइए कि बैसाखी से चले। अच्छा बुरा तो देखिए किस्मत भी है थोड़ी बहुत, मैं मानती हूँ, और माँ बाप का आशीर्वाद रहे तो बच्चा कहीं ना कहीं से कहाँ निकल जाता है। हमने भी चीजें देखी होंगी, 10 लोगों के साथ बुरा हो रहा है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद रहता है कि हम बुरे चीज से भी बाहर निकल जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि नारी को सक्षम बनाए, वो गुलाम मानसिकता, जैसा कि अभी ये बात करी थी शिखा जी, कि गुलाम मानसिकता जो है पुराने जमाने की, वो मानसिकता से हमें थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। हमें अगर पढ़ाई लिखाई करा दी गई है तो हमें अब इंडिपेंडेंट बनने का भी एक जो रास्ता है वो दिखाया जाए कि इंडिपेंडेंट बनो, ना कि हमारे पीछे पीछे आके हमारा मनोबल गिराया जाए। इससे माँ बाप
डिफेंसिव मोड जो बटन ऑन कर देते हैं ना कि बचाओ, मैं जानती हूँ कि माँ बाप ऐसे ही होते हैं, डिफेंसिव मोड के होते हैं कि डिफेंड करने लग जाते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब जब तक हम गिरेंगे नहीं तब तक हम उठेंगे नहीं, हर गलती से हम सीखते हैं। जी धन्यवाद प्राची, वाकई संघर्ष है और आपको मैं बहुत एक लंबे अरसे से जानता हूँ, आप हमारी दोस्त हैं और अक्सर आपसे जब बातचीत होती है तो आपकी संघर्ष की कहानी हमने आपकी जुबानी सुनी है, उत्तराखंड से निकलकर और कैसे हैदराबाद तक जाना और अपनी एक जगह बनाना, वहाँ एक लंबा संघर्ष किया है और यकीनन समाज में जो भेद होता है या जो एक चुनौती होती है एक लड़की होने के नाते, वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है, आपका अपना अनुभव है। आप जो बात कर रही थी कि हमको बेचारी ना समझा जाए, लड़की को बेचारी ना समझा जाए, बेटियों को बेचारी ना समझा जाए, अलंकृति मुस्कुरा रही थी, अलंकृति मैं आपके पास आऊंगा, पहले तो आप अपना ऑडियो अनम्यूट करिए और अलंकृति के बारे में बताऊं कि अलंकृति, अच्छा अलंकृति मैं आपको बता दूं कि अलंकृति उत्तराखंड की सिंगर है, अलंकृति उत्तराखंड से है, बहुत अच्छी सिंगर है। अलंकृति मेहरा नाम से एक यूट्यूब अकाउंट है जिस पर वो अपने वीडियो अक्सर डालती है और मैं सुनता रहता हूँ। तो अलंकृति पहले तो बताइए कि पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी और आज का दिन गौरवान्वित करने वाला है आपके लिए, कैसा महसूस करते हैं आप जब आपको लगता है कि एक खास मकसद से एक दिन मनाया जा रहा है और इस दिन कम से कम ऐसी बातचीत जरूर होनी चाहिए, चिंतन मंथन समाज में होना चाहिए कि बेटियों को भी बेटों की तरह समाज में दर्जा दिया जाए, उन्हें इज्जत दी जाए, सम्मान दिया जाए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे, यू नो, मैं आप सबके सामने आज हूँ और हम लोग एक साथ बातें कर रहे हैं, इसके साथ नो इस ये जो वुमेन्स डे, जो गर्ल्स डे मनाया जा रहा है, मुझे खुद में बहुत प्राउड फील होता है कि यू नो हम लोगों को इतना मतलब एक तरीके से हम लोगों को प्राउड फील होता है कि यू नो हमें आगे बढ़ाया जा रहा है और हमारे बारे में इतनी चर्चा हो रही है। एंड मेरे हिसाब से लड़की और लड़का इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की कुछ ज्यादा यू नो लड़के से आगे है, कुछ है, दोनों इक्वल है। एंड मेरे फैमिली में जैसे मैं और मेरी बहन है तो मेरी मम्मी भी हम लोगों को उतना ही प्यार देती है चाहे जितना नो किसी एक लड़के को दिया जाए, और हमें इक्वालिटी एक तरीके से मेरे मम्मी मेरे मम्मी पापा जितने जो मेरे दोनों पेरेंट्स हैं वो नो हम लोगों को कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे लिए, हम जो करना चाहे हमें करना कर ही दिया जाता है। एंड जैसे मुझे गाने का बहुत शौक है और मेरी बहन को डांसिंग का, एंड यू नो हम लोगों की अपनी अपनी हॉबीज हैं, साथ में पढ़ाई है, तो काफी ज्यादा हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं इन चीजों के लिए, एंड कभी मना नहीं किया किसी भी चीज के लिए, हमेशा सपोर्ट ही किया है। अलंकृति की बात उन तमाम लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो करियर बनाने के लिहाज से जब वो सोचते हैं तो उनके दिमाग में ये ख्याल तो अक्सर आता है, बार बार आता है कि हम अपने बेटे को क्या बनाएं, लेकिन हम अपनी बेटी को क्या बनाएं और हमारी बेटी क्या बनना चाहती है, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें और उसको उसी तरह सपोर्ट करें, आगे बढ़ने में मदद करें। यकीनन शिखा जी आपके पास आएंगे, कुछ कहना चाहती हैं आप, बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी राघवेंद्र जी कि जैसे कि उन्होंने कहा कि बेचारी ना बने, मैं समझती हूँ कोई महिला बेचारी नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो महिला को बेचारी बना सके। देखो मैं एक गांव बहुत ठेठ गांव की यूपी के गांव से आती हूँ और दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो मेरा इस्तेमाल कर सके, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो मुझे बेचारी कह सके, उल्टा मैं लोगों को बेचारा बना के रखती हूँ। बस आप में ताकत होनी चाहिए, जो आप चाहते हैं, जो आपको चाहिए वो आप दुनिया से छीन सके। जब आप छीनना सीख जाएंगे ना अपना हक, तो निश्चित रूप से आप किसी से पीछे नहीं रहेंगे। मैं आपको इसलिए मैं बीच में इंटरप्ट कर रही थी कि मुझे एक और वर्चुअल मीटिंग के लिए जुड़ना है, तो मैं आपका फेसबुक लिंक चाह रही हूँ ताकि मैं उसको शेयर कर लूं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए शिखा जी, और आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर ही आपसे बात की और आप बाहर हैं दिल्ली से, व्यस्तता में मेरठ हूँ इस समय, उलझी थी फिर भी आपने समय निकाला, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू राघवेंद्र जी, थैंक यू सो मच। हर्षिता आपको आवाज मिल रही है मेरी, आपको मेरी आवाज मिल रही है हर्षिता? हर्षिता आप सुन पा रही हैं मुझे? म्यूट
म्यूट है क्या? म्यूट आपका है? ऑडियो, आपका ऑडियो मुझे नहीं मिल रहा है। हाँ सुन पा रही ना? अब प्राची जी मैं बताऊं आपको, ये हर्षिता यूथ आइकन के तौर पर जुड़ी हमेश फाउंडेशन से, और छोटे छोटे पत्थरों पर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाती हैं, मीनिंगफुल पेंटिंग्स होती हैं, सोशल मैसेज वाली पेंटिंग्स होती हैं, रिसाइकल्ड मटेरियल्स पर भी वो काम करती हैं, और रिसाइकल्ड बॉटल्स पर भी उन्होंने बहुत सारी कलाकृतियां आकृतियां उनको उकेरा है, तो लगातार काम करती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, तो यकीनन युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है वो, और इसलिए मैंने आज हर्षिता को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा है। हर्षिता आप अपना अनुभव बताएं, कानपुर से हैं आप, कानपुर में रहती हैं, एक आर्टिस्ट हैं, एक कलाकार के तौर पर आप अपनी पहचान बना रही हैं और एक पहचान बना ली है आपने, तो ऐसे में आपको क्या महसूस होता है कि समाज में क्या रास्ता उतना आसान है आगे बढ़ने के लिए जितना लड़कों के लिए है, बेटों के लिए है, क्या उतना आसान बेटियों के लिए भी है, या अब भी बहुत चुनौतियां हैं सामने? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही हम लोगों को, आप शायद अनम्यूट करिएगा, आपका ऑडियो म्यूट है मेरे ख्याल से, आपका ऑडियो म्यूट है उसको अनम्यूट करिएगा, मैं देख पा रहा हूं यहां से। अनम्यूट हुआ ना? बोलो कुछ, बोलिए कुछ। कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, और मुझे तब तक हम अलंकृति का गाना सुनते हैं। अलंकृति प्राची जी की फरमाइश है कि आप सिंगर हैं तो कोई गाना सुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए और जो लोग अभी लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। लग जा गले गाऊं? जो आपकी मर्जी हो गई है। ओके। एक हिंदी और एक इंग्लिश कम से कम हमें सुनाइएगा। वीडियो दोनों बंद हो गए हैं। हाँ मैं वही कोशिश कर रही हूँ। ओके थैंक यू। बहुत खूबसूरत गाया अलंकृति, लगातार आप रियाज करती रहती हैं, क्या सपना है, क्या बनना चाहती हैं? सिंगिंग कर रही हैं यकीनन, जाहिर तौर पर आप सिंगर बनना चाहती होंगी, यही तो प्रॉब्लम है। क्या क्या सपने हैं और आपकी जिंदगी में? सिंगर नहीं बनना चाहती है, वो क्या बनना चाहती है पूछिए उससे। अभी आज तक कुछ डिसाइडेड नहीं है, मेरी हॉबीज है बहुत सारी, मुझे बहुत सारी और चीजें भी करना पसंद है, साथ में पढ़ाई भी करती हूँ, एंड हाँ मतलब अभी ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है कि मुझे क्या करना है। तो डिसाइड करिए, सपने देखिए, और सपने उन्हीं लोगों के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं, सपनों को जीते हैं और उसी दिशा में सोचते हैं कि मुझे अपना सपना साकार करना है। और मैं सबसे ही कहता हूं कि खूब सारे सपने देखिए, खूब सारे सपने देखिए, खूब सारा अपने सपनों के बारे में सोचिए, और तभी बेहतर रास्ते निकलते हैं जिंदगी के, मंजिल की तरफ लोग बढ़ते हैं। सिंगिंग के अलावा और क्या क्या हॉबी है आपकी? मुझे डांसिंग करना पसंद है, एंड ऑफ कोर्स लाइक कुकिंग एंड गार्डनिंग एंड बस मतलब डांसिंग भी करती हूँ, एक्टिंग करना भी पसंद है मुझे थोड़ा बहुत, एंड स्पीचेस ऑफ कोर्स डिबेट में मुझे पार्ट लेना पसंद है, और जो भी मतलब यू नो जितनी भी स्पोर्ट्स में पार्ट लेती हूँ तो मुझे हर चीज करना पसंद है जो भी मतलब मुझे मिलती है करने को, तो हाँ। कुकिंग पसंद है आपको, गार्डनिंग पसंद है आपको, डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, यही कहा जाता है कि मल्टी टैलेंटेड किसी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स होते हैं कि क्या क्या पसंद है और हम क्या क्या करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं प्राची यही जिंदगी के वो रंग हैं जो आपको खुश रखते हैं, आपको बेहतर बनाते हैं, और एक अच्छी जिंदगी जीने की तरफ
आपके कदम बढ़ते हैं कि आप वो सब करें जो आप करना चाहते हैं, अपने सपने देखें, उनको साकार कैसे करें। और सबसे बड़ी बात यह कि बिना किसी आलोचना का ख्याल किए हुए, बिना आलोचना की परवाह किए बगैर कि दुनिया क्या कहती है, क्योंकि और ये अलंकृति की बातों से लगा कि वो अपने सारे जो शौक हैं उनको पूरा करने में लगी हुई हैं। अलंकृति, हम फिर से एक बार लौट के आएंगे आपके पास और फिर एक बार आपका गाना सुनेंगे। हर्षिता की तरफ मैं रुख करना चाहता हूँ। हर्षिता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कुछ बोलिए। अभी थोड़ी देर पहले आवाज आ रही थी, थोड़ी देर पहले आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है। आप अनम्यूट करिए अपना ऑडियो, आपका ऑडियो म्यूट किया हुआ है आपने, तो आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। प्राची, आज के दिन जब लगातार, हालांकि इस विषय पे बात होती है, चर्चा होती है, लड़कियों के हक की बात होती है, बेटियों के हक की बात होती है, लेकिन कभी आपको ये ख्याल आया कि जितनी कोशिश हम लोग करते हैं, हम लोगों से मतलब है सामाजिक संस्थाएं, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, सरकारें जो कोशिश कर रही हैं, और खासकर अगर आप देखें तो 2015 से जब इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया, 2014-15 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, कितना बदलाव अब दिखता है आपको पिछले 4-5 साल में, कि कितना चेंज आया है लोगों की सोच में? देखिए, सोच में तो बदलाव आ ही रहा है, क्योंकि अब लोग ये बात करने लगे हैं। मैं डिबेट्स में भी देखती हूँ, और मैंने भी ये मुहिम छेड़ी थी कि आप लड़कियों को इतने सारे नॉर्म्स बताते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। आप लड़कों को भी अपने घर में बताइए ना कि बेटा, आप लड़की से ये मत कहिए कि तू मत जा, क्यों ना जाए वो शाम को अगर उसको जाना है। आप ये कहिए अपने बेटों से कि देखो, तुम बाहर जा रहे हो ना, लड़की जो दिखेगी बाहर, अगर वो अकेली है तो उसको, अगर वो तुमसे हेल्प मांगे तो हेल्प करना, वरना उसको तंग मत करना, उससे बदतमीजी मत करना। जैसे तुम्हारे घर में दो बहनें हैं, वैसे ही वो भी किसी की बहन है, उसको भी बहन समझना। हम ये कहते हैं कि आप हमें जबरदस्ती बहन मत समझिए, आपको बहन नहीं समझना, आप मत समझिए, ना हमें दोस्त समझिए, कुछ मत समझिए, लेकिन हमें एज अ ह्यूमन, जैसे आप ह्यूमन हो, हम ह्यूमन है। आप अपना, अपने शौक के लिए क्लब जा रहे हो तो हमको हमारे शौक के लिए क्लब जाने दो, हमें हमारे शौक के लिए दुकान में सामान खरीदने दो, हमें हमारे शौक के लिए पिक्चर देखने दो। मुझे क्यों जरूरत है किसी लड़के की, लड़की की, मुझे नहीं जरूरत है। मैं अकेले अपने पॉपकॉर्न खाना चाहती हूँ, मैं अपने अकेले एक कोल्ड ड्रिंक लेके बैठना चाहती हूँ सिनेमा थिएटर में। क्यों ये ऐसे देखा जाएगा, नहीं ये किसी के साथ आई होगी, क्यों जाना है, मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ, आई वॉन्ट टू एंजॉय अलोन, Why can't I, मतलब like मैं क्यों अकेले नहीं जा सकती। ये सोच जो है, ये संकीर्ण सोच जो है, इसका नतीजा है कि हरियाणा के कई हाई प्रोफाइल जगह पे, या गुड़गांव के, ये पाया गया था कि खूब सारे भ्रूण मिले थे, जो फीमेल वो मिला था, बच्चों का भ्रूण मिला था, तब मालूम आया, तब एक मामला सामने आया था कि यहाँ पर ऐसे धांधले चल रहे हैं कि जिसमें जो क्लिनिक्स हैं वो बच्चियों को पेट में ही मारने का काम कर रहे हैं और इससे पैसे कमा रहे हैं। तो आप सोचिए कि लोग जो इतनी बड़ी कोठियों में रहते हैं, जो मर्सिडीज बेंज वगैरह से नीचे बात नहीं करते, जिनके पास करोड़ों अरबों के कारोबार है, वो उनके घर में बच्चियों को ऐसे मारा जा रहा है पेट में। तो इन लोगों से हमें क्या मतलब, इन लोगों से हमें ये सिर्फ ये अपेक्षा है कि ये बदलाव लाएं। आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद से 4-5 सालों में हरियाणा में ये सोच बदली है, और खट्टर सरकार ने भी इस विषय में कार्य करा। तो अब मैं सोचती हूँ कि ऐसी बहुत जल्द ऐसी महिलाओं को भी मुहिम आनी चाहिए, महिलाएं जो पुरानी महिलाएं हैं वो नहीं, हम जैसे युवा लोग भी जो है वो भी आए, घर की दादियां माएं वो भी कहें कि भाई जो तुम्हें लड़के ने करना है वो लड़की ने करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़के की भी, हमारे हिंदू धर्म में संस्कार है, ठीक है, उसके भी कोई काम होते हैं, हम उसको भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज हमारे पूर्वजों ने कहा होगा तो कुछ बुरी बात नहीं कही होगी, लेकिन महिलाओं की भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें पुरुष हस्तक्षेप नहीं करते, कहीं पर महिलाएं हस्तक्षेप नहीं करती, कहीं पर हमारी बाउंड्री में, कहीं हमारी बाउंड्री जो हमारे हकों की बाउंड्री है वहां पर पुरुष नहीं आते, वैसे ही पुरुषों की कुछ बाउंड्री में हम नहीं जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी तरफ से पालो, हमें हमारी तरफ से, लेकिन इक्वल पालो। हमको ये ना कहा जाए कि कई बार होता ना कि परिवार बेटों की तरह पालता, हालांकि मुझे भी ऐसा टॉमबॉय वाला शौक था, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि लड़का लड़कियों को
पालो, एक सा पालो, लेकिन लड़की को ये भी बताओ कि तुम गर्ल हो वो बॉय है, आपने डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, लेकिन उसकी अपनी जरूरतें हैं, वो बड़ा हो रहा है उसकी अपनी जरूरत है और लड़की बड़ी हो रही है उसकी अपनी जरूरत है, लड़की को जो कपड़े चाहिए वो लड़के को नहीं चाहिए, उसी हिसाब से हमको अपनी सोच बदलने की जरूरत है कि जो लड़का शाम को घर से बाहर जा रहा है उसको भी हिदायत दे के भेजा जाए कि बेटा जो शाम को तू घर से बाहर निकल रहा है इस तरह की कोई उठपटांग हरकतें मत करना, तेरी बहने जिससे शर्मिंदा हो, उसी प्रकार से मतलब मैं तो यही सोचती हूँ कि इस तरह से हमें सोच बनानी होगी तभी समाज का कुछ हो पाएगा, सरकारें वरना कितनी भी स्कीम ले आए कुछ कार्य नहीं हो सकता, धरातल में कार्य करना है तो हमें घर से शुरुआत करनी होगी, मॉरल शिक्षा यानी कि जो मॉरल एजुकेशन है बच्चों को वो देना बहुत जरूरी होगा, मॉरल एजुकेशन देना बहुत जरूरी होगा। और ये एक संदेश आपकी तरफ से, हर्षिता आप सुन पा रही हैं आप मुझे, कुछ बोलिएगा। हाँ जी सर, मैं सुन पा रही हूँ आपको, हेलो आपको मेरी मैं आ रही है? ये कहना चाह रहा था जी, जी सर आपकी आवाज हमें मिल रही है, एक आर्टिस्ट के तौर पर जो आपने शुरुआत की और बहुत कम उम्र में आपने पेंटिंग सीखी, छोटे छोटे पत्थरों पर आप बहुत उम्दा और अच्छी पेंटिंग करती हैं, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ अपने आसपास के लोगों से कि ये एक ऐसा रास्ता जब एक बेटी अपने सपने पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है तो क्या रास्ता उतना ही आसान है जो एक बेटे के लिए होता है, या वाकई अब बदलते वक्त के साथ साथ कहीं ना कहीं वो स्थितियां अभी नहीं बदली हैं, उस हद तक नहीं बदली हैं जिस हद तक बदलनी चाहिए थी, अभी भी चुनौतियां बहुत सारी महसूस होती हैं आपको? जी सर, जी सर आपने बिल्कुल सही कहा, एक्चुअली मुझे जब मैं इस फील्ड में आई, मैं स्टोन आर्ट जो कि इंडिया में है नहीं, मैंने ऐसा आर्ट वर्क चुना जो कि इंडिया में है ही नहीं, बाकी विदेशों में तो बहुत पॉपुलर है, तो जब मैं यहाँ पर जब लेकर आई तो सबसे ज्यादा मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़े घर से ही, क्योंकि घर वालों को ही नहीं अच्छे लगते थे, मैंने कहा कौन क्यों बेच रही हो, कौन खरीदेगा आगे, तो लेकिन हम बनना था तो लगे रहे इस काम पर और आगे भी और भी समाज को संदेश देखते हुए कहीं भी अपने कला का प्रदर्शन जरूर करेंगे, और इस तरह के क्षेत्र में जब आप कुछ नया करने का बीड़ा उठाते हो तो आपको चैलेंजेस ज्यादा फेस करने पड़ते हैं, जैसे क्योंकि ये चीज जो भी चीजें मैं कर रही हूँ ये ऑलमोस्ट एक नई चीज है, तो सबसे ज्यादा मुझे इधर ही फेस करना पड़ा कि लोग नहीं चाह रहे थे, लोग कहते थे कि अरे सड़क से पत्थर उठा के कौन खरीदेगा ये पत्थर, तो सबसे बड़ा यही रहता था कि वो एकदम ही डिप्रेस कर देते थे, और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और सबसे ज्यादा कि अब मैं एक साल ड्रॉप आउट हूँ, और सबसे ज्यादा लड़कियों को कहा जाता है कि अब एक साल तुम्हारा बर्बाद हो गया, अब आगे क्या करोगी, कैसे मैनेज करोगी, तो इधर मुझे और उसके बाद ऐसे काम को कर रही हो जो जिसका कोई आगे स्कोप भी नहीं है, पर जब आपको सपने पूरे करने रहते तो आप अपने काम पे लगे रहो और आपको रास्ते मिलते जाएंगे, और इस तरह मैंने हेलो जी जी मैं सुन पा रहा हूँ आप बोलिए जी, जब आपको जहाँ आप कहते ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो आप अपने काम पे लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और जो अभी राह में कठिनाइयां तो आएंगी ही आएंगी उसको पार करते जाइए वो, और देखा जाए तो सबसे ज्यादा चैलेंजर एक बिजनेस में होती है और वुमेन्स का जो भी है कॉन्ट्रीब्यूशन बिजनेस में बहुत कम है, तो मैं इसको ऐसा बनाना चाहूंगी कि ये आगे लोगों के काम है, इसीलिए मैं ऐसे ही अपने प्रोफेशन में घुसना चाहती हूँ, एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहती हूँ ताकि मैं लोगों को संदेश दे सकूँ और अपने काम के थ्रू लोगों तक अपनी बात को भी पहुंचा सकूँ कि नहीं अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो आप हर कुछ बन सकते हो, कोई भी बायस नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो बिजनेस में लोगों देखा जाए तो मेल को ही ज्यादा डोमिनेंट दिया जाता है और रास्ते आसान रहते हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए रास्ते आसान नहीं रहते अक्सर। हेलो, बहुत सारी लोग बहुत सारी महिलाओं ने कारोबार की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग मुकाम बनाया है, मुकाम हासिल किया है, और एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण निकल कर आई हर्षिता की बातों से कि शुरुआत में लोगों ने कहा था कि कौन खरीदेगा सड़क के किनारे के पत्थरों को, लेकिन उन पत्थरों को सड़क किनारे से उठाया हर्षिता ने, उनको एक नई शक्ल सूरत दी, और जब उस पर कुछ उकेरा उन्होंने, कुछ पेंटिंग बनाई जो यकीनन वो पत्थर
उसकी कीमत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और एक मैसेज भी जाता है, और ये भी एक मैसेज जाता है कि हम अपने हुनर से किसी भी वस्तु, किसी भी चीज की शक्ल सूरत कैसे बदल सकते हैं, उसकी कीमत कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हर्षिता, इस लॉकडाउन में पिछले कुछ महीनों में आपने क्या कुछ काम किया है? कभी काफी काम है आपका, हालांकि दिखता रहता है फेसबुक पेज पर। जी जी प्राची, राघवन जी देखिए, मेरा वो अमेरिकन सोसाइटी वाला प्रोग्राम है, उसके लिए मैं 10 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? जी शुक्रिया आपका, आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपका कमिटमेंट है दूसरी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन हम यही कहेंगे कि आपने भी बहुत अच्छी बात की, अच्छा संदेश दिया, और फिर अपने दर्शकों को बताएंगे कि उत्तराखंड की वादियों से निकलकर हैदराबाद तक का सफर, टॉलीवुड तक का सफर, फिल्मी दुनिया का सफर, वहाँ एक लंबा संघर्ष करके प्राची ने अपनी जगह बनाई है। और यकीनन मेरी बहुत बहुत बधाई आपको प्राची, शुभकामनाएं, और आप इसी तरह अच्छा काम करती रहें, और तमाम बेटियों के लिए एक नए रास्ते को खोलने वाले, और जो सपने देखती हैं बेटियां उनके लिए एक मैसेज देती रहें। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, शुक्रिया। माय प्लेजर। और मैं जाने से पहले कहना चाहूंगी कि सारी लड़कियों को मेरी तरफ से बधाई, और आप लोग जो हैं कॉन्ग्रेचुलेशन के पात्र हैं, और आप लोग अपने आप में बहुत एक डिवाइन सोल हैं, आप में भगवान का एक आशीर्वाद है कि आप में प्रजनन करने की शक्ति, आप में मां बनने की शक्ति, आप में विश्व को चेंज करने की शक्ति है, आप में बहुत कुछ है। अगर नारी अपनी शक्ति को पहचान ले तो वो बहुत कुछ कर सकती है। आप जो करना चाहते हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, चाहे आप सिंगर बनना चाहते हैं, चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी फील्ड में, क्योंकि महिला जो है जब लड़की किसी फील्ड में आती है तो ऑनेस्टी से अपना काम करती है, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या इंजीनियर, कोई हो, मैंने देखा है कि लड़कियां अपना काम काफी ईमानदारी से करती हैं, इसलिए उनको विदेशों में ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अलंकृति जो है उत्तराखंड काशीपुर हल्द्वानी से हैं, तो जाने से पहले इनका एक अंग्रेजी सॉन्ग भी सुन लीजिएगा, ये अंग्रेजी में भी बिल्कुल अंग्रेजी तरह गाना गाती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। एक बात कहना चाहूंगा कि हम भी कार्यक्रम के आखिरी दौर में हैं, और मैं चाहता हूं कि अब अलंकृति के गाने से ही इस कार्यक्रम को खत्म करें, तो मैं ठीक है अलंकृति से रिक्वेस्ट करूं, उससे पहले एक छोटी सी बात मैं हर्षिता से करूंगा, और उसके अगले ही मिनट हम अलंकृति का गाना सुनकर इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। हर्षिता, लॉकडाउन में पिछले कुछ महीनों में कितना कुछ आपने काम किया है, क्या कुछ आप दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? नहीं, प्रिंटिंग की है जी सर, एक नेचुरल स्टोन पे एक फ्रॉग बनाए, और ये उसका पूरा सरफेस पर, और जी जी कई कई स्टोन से मैंने, अरे वाओ बहुत ही प्रिटी, और अरे और पूरा बहुत छोटे, और ये देखिए रामायण के सबसे सीता जी, अरे प्रणाम, अरे बहुत ही बढ़िया आपने उतरी है, ये सड़क से उठा के पत्थर लाई है जी, वेरी नाइस हर्षिता, क्या दिमाग है भाई, पत्थर उठाओ एंड यू नो आर्ट, कमाल है, वेरी नाइस। और मैं आपको प्राची लिंक भेजूंगा हर्षिता, हाँ। का जो फेसबुक पेज है उस पर जब आप देखेंगी तो वाकई गर्व महसूस करेंगी, हर्षिता की मेहनत को सराहेंगी, इनका जो काम है उस पेज पर दिखता है, बहुत सारी पेंटिंग इन्होंने अभी तक की हैं। और अलंकृति के पास मैं जाऊंगा, अलंकृति अलंकृति सुन पा रही मुझे? हाँ अलंकृति अपना गाना सुनाओ। अलंकृति, प्रोग्राम के हम आखिरी दौर में हैं, और हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को हम आपकी आवाज सुनकर ही खत्म करें, आपकी गायकी को सुनकर खत्म करें, और कोई भी गाना जो आप गुनगुनाना चाहें। This night is cold in the kingdom, I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sink, your steps keep me away. Don't cut me down, throw me out, leave me here to rest out. What was the call with dignity and grace? I'm slipping through the cracks of your golden dress. Oh, please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down.
let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you wanna be, then let me down slowly. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया अलंकृति, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, और मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप ऐसे ही गाती रहें, गुनगुनाती रहें, रियाज करती रहें और अपने वो तमाम सपने पूरे करें जो आप देख रही हैं, जो आपकी हॉबीज हैं, आप जो कुछ जिंदगी में बनना चाहती हैं बने, और दूसरी बच्चियों के लिए, दूसरी बेटियों के लिए प्रेरणा बने, उनको बताएं कि हम जो ठानते हैं, हम जो सोचते हैं, हम वैसा बन जाते हैं और उसी तरह जिंदगी के रास्ते भी ईजाद होते हैं, हमारे सामने बनते हैं। प्राची, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, आप भी हमारे साथ जुड़ी इस कार्यक्रम में और आपने अपनी बात को भाई बेबाकी से रखा, बहुत अच्छी बातें की। और आखिरी मैं प्रोग्राम खत्म मैं करना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा उन लोगों से, उन माता पिता से, उन पेरेंट्स से कि जो आज कहीं ना कहीं बेटे को तरजीह देते हैं और बेटी पर यकीन कुछ कम करते हैं, वो अपनी सोच बदलें। आज बेटियां हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत आगे और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यकीनन एक खुला आसमान उनके सामने है, बस उनके सपनों में पंख लगाने की ज़रूरत है। और सबसे पहले ये काम माता पिता से बेहतर कोई नहीं कर सकता, घर से शुरुआत होगी। अगर घर में नज़रिया बदलेगा तो यकीनन गांव, गली, मोहल्ला, बस्ती, समाज और देश का भी नज़रिया बदलेगा, और हम एक नई पहचान के साथ लड़कियों को समाज में देखें, उन्हें इज्जत दें, सम्मान दें, और यही कोशिश हो कि बेटियाँ बहुत आगे करें, बढ़ें और बहुत अच्छा करें। प्राची, आखिरी में मैं एक नवाज देवबंदी साहब का शेर मुझे याद आ रहा है और जो मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने दर्शकों के लिए भी उस शेर को यहाँ पढ़ने का आज मेरा मन है कि बेटा और बेटी में उन्होंने कैसे परिभाषित किया है अंतर को, बहुत ही खूबसूरत तरीके से दो लाइनें कही हैं कि बेटा माँ बाप के पास रहता है और बेटी ससुराल चली जाती है, दूर चली जाती है माँ बाप की निगाहों से। तो उनकी दो लाइनें ये हैं कि एक आँखों के पास है, एक आँखों से दूर, बेटा हीरा होता है और बेटी को ही नूर। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं एक बात बोलना चाहती हूँ जी जी, कि अगर हर्षिता का कोई चैनल है और अलंकृति का कोई चैनल है तो इनके लिए जरा बोल दीजिए दर्शकों को कि अलंकृति मेहरा का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बच्चियां जो हैं हमारा भविष्य हैं। और हर्षिता है, अगर हर्षिता का भी कोई चैनल है, नहीं है तो हर्षिता आप भी खोलें और इस तरह की चीजों को दिखाएं। और हर्षिता का भी, हर्षिता शर्मा का भी अगर कोई चैनल है तो उसका कोई नाम है तो बताइए। अलंकृति आपका किस नाम से है? अलंकृति म्यूजिक। अलंकृति म्यूजिक, इट विल कम बाय अलंकृति मेहरा। तो स्पेलिंग बोलो अपने उसकी चैनल की। ALANKRITIMUSIC। ओके, एंड हर्षिता आपका है? नहीं मैम, अभी मेरा नहीं है, अभी खोलो आप अपना भी। आप लोग टैलेंटेड हो और हमारा फ्यूचर हो आप लोग। चलिए हर्षिता अभी फेसबुक पर हैं, एक्टिव ट्विटर पर हैं, रॉक शाउटर वन के नाम से इनकी यूजर आईडी है। हर्षिता का फेसबुक पेज है जिस पर इनके काम हमको देखा जा सकता है, बहुत ही खूबसूरत काम कर रही हैं पत्थरों पर पेंटिंग्स करके। और मैं सभी से अपील करूंगा कि हर्षिता के पेज पर, हर्षिता शर्मा के पेज पर जो कि आईडी है रॉक शाउटर वन, उस पर जाएं, एक बार जरूर देखें और हर्षिता का हौसला बढ़ाएं। उसी तरह मैं अलंकृति के लिए भी कहना चाहूंगा, ये बच्ची बहुत अच्छा गाती है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इसकी आवाज़ दूर तक पहुंचे, दूसरी बच्चियां भी देखें और जो सिंगिंग का शौक रखती हैं वो कुछ प्रेरणा लें, सीखें। तो मैं उनसे भी सबसे अपील करूंगा कि अलंकृति मेहरा के नाम से यूट्यूब अकाउंट है अलंकृति म्यूजिक, उसको देखें और उसका भी हौसला बढ़ाएं, अलंकृति की भी हिम्मत बढ़ाएं, और यकीनन इन दोनों बच्चियों को दुआ दें और इनकी, आप लोगों की दुआएं जो हैं इनकी हिम्मत बढ़ाएंगी। और मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि, और यकीन है मुझे कि ये दोनों बच्चियां अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत अच्छा काम करेंगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। प्राची आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार ऐसा डिबेट में जुड़ी, और फिर किसी सामाजिक मुद्दे पर हम सब दोबारा इसी तरह जुड़ेंगे और एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।